उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में योगी सरकार में नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। आपको बता दें, जहां एक ओर प्रदेश की योगी सरकार बेसहारा गरीबों को उनके रहने के लिए छत देने के लिए लाख जतन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ही सिपाही उनके अरमानों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला है जनपद पीलीभीत के ब्लॉक बीसलपुर के गांव सितारगंज नवदिया का। यहां पर ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करते हुए गरीब ग्रामीणों के आवास और शौचालय के नाम पर 5,000 की वसूली कर ली। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने जब भाजपा विधायक रामशरण वर्मा से की तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई प्रधान पर कब होगी यह कहना उचित नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में महिला प्रधान है, लेकिन इसके बाद भी उनके पति गांव में प्रधानी कर रहे हैं। वहीं सरकारी दस्तावेजों पर भी प्रधान पति अशफाक हस्ताक्षर करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह भी कि ग्राम प्रधान के कागजों में ही विकास कार्य दिखाकर रुपए निकाल लिए जाते हैं। आपसे किसने किस संबंध में पैसे लिए गए? लेटरिन जो है उनने जो है कहा हमारी लेटरिन नहीं आई, पैसा वाले उनने मांगे। कितने रुपए लिए? 1,000 रुपए ले लिए थे। आप विधायक जी के सामने खड़े हैं, सच्चाई बोल रहे हैं आप? एक बच्चा ले लीजिए। कहाँ की रहने वाली? नवदिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या जाए हमारे धान को बीच ना ना लैटरिन ना कमरा, हम पानी में रहा। और क्या समस्या है कि प्रधान से आपने बात की संबंध में कुछ? प्रधान बुकार हो गया, महीना हमारा भाई कुंभा महीना पैसा 5,000 ले ला, पहले प्रधान ने ले ला। किसने लिए थे? प्रधान जी ने। क्या नाम है प्रधान जी का? पुष्पाक। कब लिए थे पैसे? कहाँ रहते? रहते समस्या क्या है आपकी? समस्या का लेटरिन भैरा जाने पर धमो गिर पर धो गिर पर आवास आपको दिया गया सरकार द्वारा? नहीं दिया। आपने इस संबंध में शिकायत की या कभी? शिकायत करी प्रधान तो कई हफ्ते कई को सुनवाई ना है। क्या कहा प्रधान जी ने आपके? कई कई तुम्हारो क्या करोगे तुम? क्यों तो सबके लिए बांट रही है। हाँ। आपको क्यों मना कर दिया? पता ना भाई। कहाँ रहे थे? सितारगंज नवदिया। क्या समस्या है? सर यही समस्या है कि मतलब आवास को लेटरिन शौचालय के लिए कई बार मैंने कागज अप्लाई की, आज तक हमारी कोई ना सुनवाई हो रही है। और इस समय आप आगे उसकी जांच करें, देखें मतलब जो है सच है या झूठ है। और जिन लोगों से पैसे लिए उनके भी इसमें फोन मतलब बयान आ चुके हैं। अच्छा, आपसे कोई रुपए की मांग की गई? नहीं, अभी हमसे रुपए कोई मांग नहीं करेगी। जहाँ भी कागज जाते हैं वो कभी कुछ कोई पढ़ा देता है, कभी कोई पढ़ा देता है, मतलब उसकी आगे कोई हमारे संबंध में जानकारी भी समस्या समाधान नहीं हुआ है। सचिव से बात की आपने? ब्लॉक के किसी अधिकारी? हाँ, बात की थी। क्या बोले? जब सर्वे होगी तो तुम्हारी सर्वे करवा देंगे साहब। यहाँ सर्वे हो जाती पता ही नहीं चलता, कोई लेन देन पैसे लेके दे के मतलब करवा देते, पता ही नहीं चलता सर्वे कब हो गई कब नहीं हुई है। क्या समस्या आपकी? आपका जय है, कुछ है ही नहीं, कुछ देते ही नहीं है। और जो जिसमें सब कुछ है उसको सब कुछ देते हैं, हमारी कुछ सुनते ही नहीं है। क्या सब कुछ देते हैं? लेटरिन उटरिन वगैरह है, सिलेंडर सभी कुछ बटे, घर मकान सभी दे रहे हैं। आपको नहीं मिला? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। सब तीन सब कुछ है ही नहीं हमारे पास, विकलांग है। प्रधान जी से आपने बात की? हाँ, कुछ तो बोले। उन्होंने क्या कह दिया? वो तो ऐसे ही कह देते हैं कि ऐसे ही बात है, मेरे जेब में रखा है ये वो है बस। ठीक, मांगे आपकी शौचालय और कान आवास हमारी मांग है। हमने कई बार प्रधान और सचिव सबसे कही मगर कोई सुनवाई नहीं है। और कान का क्षेत्र काल भी करी और वो भी सुनवाई नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नवदिया। अधिकारियों से बात की इस संबंध में? क्या बताया अधिकारियों ने? अधिकारी ने कही आपकी जाँच चल रही है, कोई भी नहीं पैसा लेके देखा, जमे बंद हो गई है। अनकलोज कई बार फोन आए। शौचालय कहाँ जाते हैं फिर आप? शौच के लिए कहाँ जाते हैं? जंगल में।